नमस्ते मैडम। जी सर नमस्ते। मैडम मेरा 4141 है मैडम। आपने जो लिस्ट में है ना मैडम, वो पूरे प्रॉब्लम में फेस कर रहा हूँ मैडम। और मेरी वाइफ का 61 आता है मैडम नंबर में। मेरे को एक बार दो बार हार्ट का प्रॉब्लम भी बताया मैडम। मैंने आपका वो एक यूट्यूब में वीडियो देखा था 61 का। मैंने उसी दिन मेरे वाइफ का सिम तोड़ के रख दिया मैडम। आज तक मेरे वाइफ का नंबर निकाल दिया मैडम। अभी मेरा नंबर चेंज करने के लिए मैंने क्लास ज्वाइन किया है मैडम। जी थैंक यू। आपने लिस्ट में जो भी बताया ना मैडम 1000% करेक्ट है मैडम। जी सर पूरे प्रॉब्लम फेस अभी तक इवन प्रेजेंट अभी तक फेस कर रहा हूँ मैडम। आप मेरे को जिस दिन मेरे को अभी नंबर लेना समझ आ गया, मैं उसी दिन मेरा सिम भी तोड़ दूंगा मैडम। बिल्कुल सर, खराब नंबर्स को तो तोड़ना ही पड़ेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सुपर गुड इवनिंग। मैडम मेरे नंबर में तो 81 है। जैसे मैंने अपने फादर को लॉस किया हुआ है, लेकिन अभी पढ़ाई के दौरान मैंने अपने बहन का नंबर को डायग्नोज किया, उसमें उनके नंबर में भी 81 आ रहा है। अब देखो आपके में भी आ रहा है, आपकी बहन के में भी आ रहा है। बात बोल रहे एकदम, हाँ मैम परफेक्टली आप जो बोल रहे हैं वो सही है। एक नंबर इतना भी बोलेगा कभी पता नहीं था। आई एम स्पीचलेस। मैम 81 है, फादर में 61 भी है। और जब से वो नंबर लिया था, आफ्टर 2 मंथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर फादर का शुरू हो गया था, प्लस किडनी इशू। और ही वाज वेल हेल्थ बिकॉज ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, बट उस लेने के बाद ही। और मम्मी का भी नर्व इशू शुरू हो गया, अभी भी है 61 और 81। तो अब देखो दोनों ने दोनों रिजल्ट दे दिए। तो आपको क्या करना है अब सिंपली? जब आप और गवर्नमेंट सेक्टर से भी काफी मतलब प्रॉब्लम हुआ था, छोटे छोटे वर्क पे काफी मतलब लीगल नोटिस, कभी कुछ फंस जाना, कभी कुछ एक काम में फंसो दूसरा काम, मतलब 5 ईयर्स 6 ईयर्स लगे सारा मनी सेटलमेंट में गवर्नमेंट से। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मैं आपको जितनी चीजें लिखवा रही हूँ ना, ये बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद, ऑब्जर्वेशंस के बाद आई हैं, इसलिए एक एक को करके अनम्यूट करके सुन रही हूँ। अगर कहीं पे भी मुझे डाउट होता तो आपको लगता है मैं आप में से किसी को अनम्यूट करती हूँ, नहीं करती। तो मैं जितनी चीज आपको बोल रही हूँ, लिखवा रही हूँ, वो 1000% असर देती है, वैसा का वैसा। यस मैम, मेरे हस्बैंड के नंबर में है ये 18 का कॉम्बिनेशन। जी तो उनके फादर की डेथ हो चुकी है, बट इतना अर्ली तो नहीं, लेकिन हो गया है डेथ। और फादर से कॉन्फ्लिक्ट रहता था बहुत ज्यादा उनका, मतलब नहीं रहता था, मीन्स बहुत ज्यादा हार्मोनियम नहीं रहती थी। और 18 है और मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहता है। तो रिलेट हो गई ना सारी चीजें? हाँ जी बिल्कुल रिलेट हो गई। थैंक यू जी, थैंक यू। तो यही होता है, ये बेसिकली अगर एक शब्द में बोला जाए ना, तो 1881 फादर का सुख नहीं देता। अब फादर का सुख कैसे नहीं मिलेगा? या तो बनेगी नहीं आपकी, या अलग रहोगे, या फादर को कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू हो जाएगा। फादर से जो बेनिफिट्स या सुख मिलने चाहिए, जो रिलेशनशिप होना चाहिए, वो नहीं होगा। और मैंने बताया 95% केसेस में तो ये फादर से पूरा ही सेपरेट करा देता है परमानेंटली।